मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली, और ये अभी मैं रूम में होगी, थोड़ा मेसअप हो रखा है क्योंकि अभी यहाँ कपड़े भी रखे हैं चेयर पे, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली शादी में गया था अपने एक फ्रेंड की, ठीक है। के बाद मैं काफी टाइम से अभी मैं एक्टिव नहीं हूँ, लगभग 15 दिन से मैंने यूट्यूब पे कुछ अपलोड नहीं किया। शॉर्ट्स में अपलोड करता था पहले, पर वो भी मैंने डिलीट कर दिए थे सारे के सारे, तो कोई भी वीडियो मैंने अपलोड नहीं करी थी क्योंकि मैंने एक पार्सल आना था, एक्चुअली 2 पार्सल आने थे, तो एक पार्सल रिसीव हो गया मेरे को, एक पार्सल और आना है मेरा, तो एक पार्सल तुम लोग देख चुके होगे, अगर नहीं देखा अभी तक तो सिनेमैटिक में आप लोग देख लोगे। तो ऐसा करते हैं सारे ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग इंटरनेट, मैं हूं सौदेवान और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी, और यहाँ पे डेली ब्लॉग करता था मैं पहले, अभी नहीं कर रहा काफी टाइम से, काफी चीजों में मैं अभी फंसा हूँ तो इस चक्कर में नहीं कर रहा हूँ, और मैंने ग्लासेस भी नहीं पहने तो एक्चुअली मैं मुझे दिख भी नहीं रहा है कि कैसा फ्रेम आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है, ग्लासेस नहीं पहने मैंने। हाँ जी, फ्रेम बहुत ही अच्छा आ रहा है, बैकग्राउंड ठीक है, लैपटॉप की टेबल दिख रही है, दोनों हेलमेट दिख रहे हैं, हाँ बेस्ट फ्रेम आ रहा है। तो अभी बात कर लेते हैं मेरे पार्सल की। तो अमेजोन से मैंने ये पार्सल मंगाया था अपना, तो इसको अनबॉक्स करने वाला हूँ, इसके अंदर क्या है ये चीज मैं देख चुका हूँ, आप लोगों को भी दिख गया होगा अभी तक सिनेमैटिक में, वो एडिटिंग में पता चलेगा मेरे को, ठीक है। तो ये पार्सल है और ये है एल्ट्रॉन टर्बो से मैंने मंगाया, ये अमेजोन पे ही मंगाया, इसमें MRP आप लोगों को दिख रही होगी, MRP इसमें जो है 1999 है, पर ये एक्चुअली 1999 का नहीं पड़ा है मेरे को, इसमें MRP पता नहीं क्यों दे रखी है, इतनी ज्यादा MRP क्यों दे रखी है मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। टाइटल से आप लोगों को शायद पता चल गया हो, और अनबॉक्सिंग में तो शायद मैं टाइटल नहीं डालूंगा इतना कुछ। तो इसमें है मेरे फ्रेम स्लाइडर बोलने वाला था मैं, इसमें है मेरे लीवर गार्ड, ये आप लोगों के सामने आ रहा होगा, अभी प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, और आप लोगों को पता होगा कि मेरी रिंग लाइट यहाँ पे रहती थी, वो भी अभी गई है एक्चुअली, वो मैंने अपने एक फ्रेंड को दे रखी है और उसको थोड़ा काम था तो एक्चुअली दे दी थी, तो कोई नहीं, मेरे को थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ा इसमें, अगर वो ये वाली वीडियो देख रहा है तो कोई नहीं, मैंने शूट कर लिया, नो टेंशन, तो अपना काम आराम से करो भाई। तो ये मैंने मंगाया है, आप लोगों ने सिनेमैटिक देख लोगे, कार्बन फाइबर फिनिश में है, एक्चुअली कार्बन फाइबर नहीं है, और बहुत ही लाइट वेट है, ऐसा कुछ इतना हैवी वेट नहीं है, मतलब 300 रुपए में मेरे को ये मिला है, और कुछ इसमें मेरे को ये टूल मिले, दिख रहा है कुछ टूल मिले, मेरे को नहीं पता ये GT पे अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, पर इस पे यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है एल्ट्रॉन की, एल्ट्रॉन टर्बो, ये देखो ET आ जाता है, और बहुत ही अच्छी फिनिश है, मेरे को सच में मैंने ऑनलाइन मंगाया था ये, अगर आप लोगों को मंगाना है तो नीचे दिए हुए लिंक से आप लोग मंगा सकते हो, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन, अभी तक तो मेरे को काफी अच्छा लगा, बाकी पता चलेगा आगे जाके आगे कैसा वर्क कर रहा है, फिट हो पा रहा है GT में कि नहीं हो पा रहा, मैं इस वाली वीडियो में तो शायद ही फिट करूँ और शायद ना करूँ, तो ये है प्रोडक्ट मेरा, ये एल्युमिनियम बेल्ट है शायद ना, ये देखो एल्युमिनियम बिल्ड है, काफी अच्छी क्वालिटी तो काफी अच्छी लगी मेरे को, अगर तुम लोगों को बाय करना तो तुम दिए हुए लिंक से बाय कर सकते हो, नीचे दिया हुआ है मैंने अमेजोन का लिंक, और मेरे को ये 380 रुपए के आसपास का पड़ा है, और उस हिसाब से तो क्वालिटी काफी अच्छी है भाई, पेंट जो अभी काफी मस्त हो रखा है, डिप है ये एक्चुअली में ना, ये पेंट नहीं किया गया, ये डिप है, और एक्चुअली डिप कैसे पता है मेरे को ये डिप है, क्योंकि मेरी जो प्रोफेशनल लाइन है वो मेरी मैकेनिक्स को लेके और पेंट वगैरह को लेके मैं बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ, तो अगर तुम लोग गौर से देखोगे डिप क्या मतलब होता है, डिप होता है जिसमें हम कार्बन फाइबर की शीट लगाते हैं और वो यूं करके डिप किया जाता है इसमें पानी में, वो डिप क्यों बता रहा हूँ वैसे, क्योंकि तो अगर ये पेंट होता तो ये अंदर की साइड से कार्बन फाइबर नहीं होता, अगर ढंग से दिख रहा होगा तो मैं, तो ये अंदर भी कार्बन फाइबर हो रखा है और जहाँ पे बोल्ट लगता है वहां पे नहीं हो रखा है, डिप है ये, कार्बन फाइबर नहीं है और पेंट भी नहीं है, ठीक है। तो काफी अच्छा डिप किया गया जिसने भी ये डिप किया, थैंक यू सो मच भाई, ये प्रोडक्ट बहुत ही जेन्युइन लगा मेरे को, बाकी फिट वगैरह करके देखेंगे, बाकी मेरा एक और पार्सल आना है, वो बहुत ही अच्छा पार्सल है और अभी आ जाएगा, कॉल आया है मेरे पास उसका, 5-10 मिनट में पहुंचने वाला होगा, तो जैसे ही वो आता है उसके बाद वो वाला पार्सल दिखाता हूँ, फिर कंटिन्यू करते जा रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं एक बार ही चेक कर लेता हूँ एक्चुअली मैं वीडियो कैसी बन रही है। तो अभी दूसरा पार्सल रिसीव हुआ था मेरे को और मैंने मंगाए थे ये कॉमिक्स के स्टिकर्स हैं, ठीक है, और किस कंपनी से मंगवाया मैंने, वो कंपनी ये है, और इस पे भी MRP 999 है, पर एक्चुअली में ये 999 के नहीं पड़े हैं मेरे को, ये मेरे को पड़े हैं, स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, वॉल कॉलाज किट, और काफी अच्छे हैं, और इसमें लगभग 50 स्टिकर है, 50 स्टिकर्स, ठीक है, तो वही मैं अभी वॉल पे लगा रहा हूँ, अभी तुम लोगों ने थोड़े से टाइम लैप्स देखे होंगे, तो ये ब्लॉग 2 ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, एक एक कर सकता था पर कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इसमें कुछ चीजें ऐसी है, जैसे ये दिया गया है एक पेपर, और इसमें कुछ ऐसे स्टिकर्स हैं, अभी ये मेरे को समझ नहीं आ रहे थे क्या है क्या नहीं, पर इन्होंने इतना अच्छा किया हुआ कि इन्होंने मैनुअल दे रखी है मेरे को कैसे यूज करना है, ये मैनुअल दे रखी है, ये नॉर्मली कट करके और नॉर्मली कैसे, मैं अभी पढ़ूंगा इसे, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। और बाकी ये है हमारे पास 1, 2, 3, 4 है, 4 लेयर है, और एक ये थैंक यू ऐप है, मतलब थैंक यू स्लिप है जो उन्होंने मेरे को दिया है, बाकी बस यही छोटी सी एक नॉर्मल सी अनबॉक्सिंग थी, करके दिखा दिया मैंने, बाकी स्टिकर मेरे पास लगभग 50 है, और मैंने अभी अभी ये अपना शू वाला जो है ये रैक जो है ये निकाले थे दीवार में से,
तो ये तुम्हें अजीब लगता होगा जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो बड़ा अजीब लगता है वो, फिर भी अच्छा है। उसके साथ में यहाँ पे स्टिकर लग जाएंगे और भी ज्यादा कूल हो जाएगा। तो भाई जैसे बताया गया ना कि जितना सिंपल ये दिख रहा है उतना सिंपल एक्चुअली में है नहीं, क्योंकि मेरे को एक एक ये निकालना है, ठीक है। मेरे को एक एक मैंने अभी चार निकाले थे और चार के चारों मैंने यहाँ वन बाय वन प्लेस किए। अब इनको हटा के मैं ये डायरेक्टली चिपका सकता हूँ, तो पहले मेरे को ये पूरे इतने ज्यादा स्टिकर्स पे मेरे को चिपकाना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को ये दीवार पे चिपकाने पड़ेंगे। तो ये बहुत बहुत ही ज्यादा लंबा काम हो गया, तो मैं धीरे धीरे चिपकाता हूँ। प्लस जो स्टिकर की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी लगी, प्रिंट काफी अच्छा है और पतला है, ज्यादा मोटा नहीं कहूंगा इसे, पर ठीक है, क्वालिटी ठीक है। जिस प्राइस पॉइंट पे आया ना उसके हिसाब से तो ठीक है यार, 200 रुपए में क्या ही आ रहा है, 200 रुपए में 50 स्टिकर, घर बैठ के डिलीवरी, फ्री डिलीवरी, कोई चार्जेस भी नहीं था, तो ठीक है, अच्छा है, नाइस है। तो इन सब पे मेरे को स्टिकर लगाने हैं अभी, ये व्हाइट कलर के स्टिकर लगाने, ग्लू डॉट बोलते हैं इनको एक्चुअली में। तो ये सारे के सारे इन्हें स्टिकर्स पे लगाने, फिर मैं इसको अपना प्लेस कर सकता हूँ दीवार पे। तो ये गम है, ठीक है, ऐसे लगा ये चार पीस में, और कुछ पे ही लगा, अभी 13-14 पे ही लगा, अभी बहुत सारे बाकी है, तो मैंने कहा इतने यही लगा लेता हूँ। तो अभी दीवार पे मैं ये लगाऊंगा फिलहाल, तो कंटिन्यू करते हैं। भाई फाइनली मैं हैंडल वो लगाने आया हूँ, तो इसके अंदर होता है तो वो निकाला है अभी अभी, और बहुत ज्यादा मेहनत लगी इसको निकालने में। आप लोगों को भी एक ट्रिक बताऊंगा, उससे निकालना इजिली निकलेगा। तो उस ट्रिक के लिए मैं बता देता हूँ, ऐसे एक पत्ती चाहिए, ठीक है, उसमें ये वाला बोर्ड लगा दो जो इसमें लगता है एक्चुअली में, ठीक है, बार्सल के साथ। उसके बाद तुम्हें नॉर्मली हैमर से ठोकना है, मतलब इतना सिंपल है। तो ऐसे कुछ स्टिकर लग रही है, और प्लस अभी ऐसा सीन है भाई, साफ सफाई चल रही है फुल पावर, कुछ काम मतलब कुछ था नहीं करने के लिए, तो हमने कहा साफ सफाई कर लेते हैं। और काफी दिन हो गए कि मैंने YouTube पे कुछ भी अपलोड नहीं किया था, अभी भी चल रहा है, अभी इस वाले फ्लोर का मतलब मेरे वाले रूम वगैरह का करना है हमें। तो मैं थोड़ा बहुत एडिट कर रहा था अपनी बाइक में, लगाने का कोशिश किया मैंने वो लीवर गार्ड पर, वो लगे नहीं, पर जो भी है ठीक है। अभी लाइट भी प्रॉपर नहीं आ रही, क्योंकि मेरी जो रिंग लाइट है वो भी मेरे दोस्त के पास गई हुई है। तो ऐसे करते ज्यादा लंबा नहीं खींचते इस वाले ब्लॉग के लिए इतना रखते। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब मार दो। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और ख्याल रखे अपना अपना, बाय बाय। तो अभी वाला ब्लॉग में काफी ज्यादा मिक्सअप हो गया, कि काफी चीजें हुई है, दो दो अनबॉक्सिंग हुई है, पर जो भी हुआ आप लोगों को मतलब पीस आउट। सांप किसी और से करा है, अभी मैंने ये एक्टिंग हो रही है, ये सांप किसी और से कराया है इसने।